आज हम बात करने वाले बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसका नाम है रेड कोस्ट। तो बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रसिया के जंगलों में एक ट्रक को आते हुए देखते हैं। पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ होता है। दरअसल ये एक जर्मन ट्रक था जिसमें कई सिपाही अपने कमांडर के साथ होते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी को रोकते हैं। इनका कमांडर गाड़ी से उतरकर बाहर आता है और वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि उस कपल को बाहर लेकर आओ जिन्हें उन्होंने पकड़ा हुआ था। ये दोनों पति पत्नी होते हैं। कमांडर इनसे पूछताछ करता है लेकिन इन दोनों को जर्मन नहीं आते। दरअसल ये दोनों रशियन थे। वो बोलता है कि हमें छोड़ दो, हम कलाकार हैं, हम नाटक वाले हैं, अस्पतालों में सैनिकों के लिए नाटक करते हैं, हम कोई सैनिक नहीं है। लेकिन जर्मन कमांडर को इनकी भाषा समझ नहीं आती। वो अपने एक सैनिक को बोलता है कि इन्हें इनकी भाषा में बताओ, ये दोनों आपस में इंटीमेट हो, हमें देखना है। लेकिन उसका सैनिक उनसे बोल देता है कि तुम लोग हमें अपना नाटक दिखाओ। वो आदमी नाटक करने लगता है, तभी कमांडर को गुस्सा आ जाता है। दरअसल उसे तो कुछ और ही देखना था और वो उन्हें गोली मारने का आदेश दे देता है। ये उन्हें मारने वाले ही होते हैं, तभी एक गोली आकर उस कमांडर को लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है और एक एक करके सारे सैनिक मारे जाते हैं। दोनों कपल बहुत खुश होते हैं और दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी उनको वो आदमी आता हुआ दिखाई देता है जिसने उन्हें मारा था। ये कपल उसको थैंक यू बोलता है और बताता है कि इन लोगों ने हमें कैसे पकड़ा था। वो कपल उस आदमी से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो इन सबको इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम कुछ रशियन सिपाहियों को देखते हैं जो उसी जंगल के रास्ते अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे होते हैं। बर्फ गिरने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो ठंड की वजह से लगभग जम चुका था। ये लोग उसे देखते ही उस पर अपनी गन को पॉइंट कर लेते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिलता। फिर ये लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर ये लोग अपने अन्य साथियों के पास पहुंचते हैं। वहां पे साथी इस आदमी के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो लोग बताते हैं कि पता नहीं रास्ते में ठंड से ठिठुर रहा था। इन लोगों को अभी भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं था, फिर भी उसे ठंड से बचने के लिए पाड़ा पिलाते हैं। ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हें उस आदमी यानी कि जो रास्ते में मिला था उसे मार देना चाहिए था क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आदमी कौन है, लेकिन वो आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। अब इनके साथ इनका एक साथी भी है जो बुरी तरह से घायल था। इन लोगों को रास्ते में बहुत सारी लाशें भी दिख रही होती है लेकिन ये बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। अब ये लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तभी ये सब एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। ठंड से बचने के लिए ये लोग आग जला लेते हैं। तभी वहाँ पर वो घायल आदमी सिगरेट मांगता है और पूछता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा। तो उनमें से बूढ़ा आदमी कहता है कि पता नहीं लेकिन कल शाम तक हम लोग मेरे एक दोस्त के पास पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग किसी बात पर बहस करने लगते हैं तो वो घायल आदमी सबको शांत कराकर कहानी सुनाने लगता है लेकिन कहानी सुनाते सुनाते अपना दम तोड़ देता है। ये लोग उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं, खासकर इनके साथ जो प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका नाम वीरा था, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। बूढ़ा आदमी सबको समझाता है और आगे बढ़ने को बोलता है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर रेड क्रॉस ने जर्मन सैनिकों को मारा था। यहाँ पे जर्मन सेना आ चुकी थी। सेना का मेजर सबसे कहता है कि कौन है ये रेड घोस्ट और आप लोग एक अकेले इंसान को कैसे नहीं संभाल पा रहे। तब सब लोग मेजर से कहते हैं कि आज से ये आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि आप रेड घोस्ट को पकड़ेंगे। इसके बाद हम फिर से रशियन सैनिकों को देखते हैं जो आराम कर रहे थे। तभी वो आदमी जिसको उन्होंने रास्ते से उठाया था, वो एक सैनिक की गन चुरा लेता है और उसके बदले में वो सिगरेट की मांग करता है। तब वो रशियन सैनिक उसको सिगरेट दे देता है और बोलता है कि दोबारा ऐसी हरकत की तो गोली मार दूंगा। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं। तभी उन्हें कुछ दूर पर एक झोपड़ी नुमा घर दिखता है जो उस बूढ़े आदमी के दोस्त का था। ये लोग बड़ी सावधानी से उस घर में एंटर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। तभी एक सैनिक देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स रखी हुई है, वो उसे खाने वाला ही होता है। तभी दूसरा साथी आकर उसे रोक देता है, इससे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी आकर बोलता है कि तुम ये खाना मत खाओ, हो सकता है इसमें जहर हो, क्योंकि मेरा दोस्त ऐसे खाना कभी नहीं रखता, ये किसी की चाल हो सकती है। तभी ये बूढ़ा आदमी घर के पीछे एक ग्लास को देखता है, ये शायद उसके दोस्त की थी। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग पास के गांव में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करेंगे। ये लोग प्रेग्नेंट लेडी वीरा के साथ एक सैनिक जिसका नाम सार्जेंट था उसके छोड़कर गांव की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम जर्मन सेना को देखते हैं जो रेड क्रॉस की तलाश कर रही थी। ये सब भी उसी घर की तरफ आने लगते हैं। वीरा उन्हें आते हुए दूर से देख लेती है और काफ़ी घबरा जाती है। उसके साथ वाला सैनिक यानी कि सार्जेंट भी उस समय नहीं था, ये वहीं पर एक बॉक्स में छुप जाती है। जर्मन सैनिक वहाँ आते हैं, वहाँ कोई नहीं था। तभी एक सैनिक मेजर को बताता है कि ये जहर वाला खाना मैंने ही रखा है, अब तक मैंने कई लोगों को इस तरह से मारा है।
अब ये लोग अपने खाने का इंतजाम करने लगते हैं। तभी रसीन सैनिक गांव की तरफ आ ही रहे होते हैं कि सार्जिन उनके पास दौड़ते हुए आता है और बताता है कि वहाँ जर्मन सैनिक आ गए हैं और वीरा वहीं पर फंस गई है। अब ये लोग कुछ दूरी से उन पर निगरानी रखते हैं और वीरा को बचाने के लिए कोई प्लान बनाने लगती। कैरी इन सबसे कहता है कि हमें यहाँ बैठे नहीं रहना चाहिए, चल के वीरा को बचाना चाहिए। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें रेड कोस्ट की तरह चालाकी से काम करना चाहिए और वो रेड कोस्ट के बारे में बताने लगता है कि वो कितना खतरनाक है। उधर जर्मन सैनिक खाना तैयार कर रहे होते हैं और वीरा अंदर बॉक्स में छुपी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ उनका मेजर खाना खा रहा होता है और किसी बात पर अपने सैनिक पर चिल्लाने लगता है, जिससे वीरा डर जाती है और वहाँ पर आवाज हो जाती है। तभी एक सैनिक पुस्तक हो जाता है कि उस बॉक्स में कुछ है। वो जाकर उस बॉक्स खोलता है लेकिन उसे वीरा को देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो बॉक्स को फिर से बंद कर देता है। लेकिन उनके मेजर को पता चल जाता है कि उस बॉक्स में कोई है। मेजर बॉक्स खुलवाता है तो उसमें से वीरा निकलती है। वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं तो वीरा इधर उधर की बातें करने लगती है, यानी कि झूठ बोलती है। इसमें वो सिपाही भी वीरा की मदद करता है जिसने उसे बॉक्स के अंदर देखा था, क्योंकि वही वीरा की भाषा को ट्रांसलेट कर रहा था। वो बोलता है ये रास्ता भटक गई है और ये यहाँ पर डरकर छुप गई थी। ये लोग इसकी बात मान ही चुके थे। तभी उन्हें वीरा की वर्दी और उसका आई कार्ड मिल जाता है, इससे इन्हें पता चल जाता है कि ये एक रशियन सैनिक मेजर वीरा को मारने का आदेश दे देता है और नहाने चला जाता है। इधर ये लोग अभी भी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब जर्मन का ध्यान भटके और हम उन पर अटैक करके वीरा को बचा लें। तभी जर्मन सैनिक गाने सुनने लगते हैं और कुछ सैनिक सो भी गए थे। तभी ये लोग वीरा को बाहर आते देखते हैं। वीरा को देखकर लग रहा था कि उसे इन लोगों ने बहुत बेरहमी से पीटा है। अब वो इसे गोली मारने वाले थे, तभी वीरा कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें पाप लगेगा। तभी रसिन सैनिक मौका पाकर इन पर अटैक कर लेते हैं, एक एक करके गश्त कर रहे सारे सिपाहियों को मारने लगते हैं। गाने की वजह से बाकी जर्मन सिपाहियों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथियों को कोई मार रहा है। फिर से हम वीरा को देखते हैं जिसको ये लोग गोली मारने जा रहे थे। जर्मन सिपाहियों में से जो सिपाही वीरा को बचाना चाहता था वो वीरा के बचाव में कुछ बोलता है तो उसका सीनियर बोलता है कि अब तुम ही इसे गोली मारोगे और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट। अब वो सिपाही मजबूर हो गया था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने वीरा पर गोली नहीं चलाई तो ये लोग उसे मार डालेंगे। वो वीरा को मारने का फैसला करता है। तभी एक गोली उसके पेजे में आकर लगती है, वो वहीं पर मर जाता है। अब सभी जर्मन सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे क्योंकि उनको पता चल गया था कि रेड पोस्ट आ चुका है। तभी हम रेड पोस्ट को देखते हैं जो सबको एक एक करके मार रहा है और हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहा है। अब रशियन सैनिकों का भी हौसला बढ़ जाता है और वो लोग भी रेड पोस्ट के साथ जर्मन सैनिकों से लड़ने लगते हैं। कैरी जो इनके साथ था वो वीरा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी जर्मन का मेजर जो नहा रहा था वो भी लड़ने के लिए आ जाता है और वो बिना कपड़ों के ही इनसे लड़ने लगता है। लेकिन रेड पोस्ट और रशियन सैनिक इन पर हावी होने लगते हैं और इनके सभी सैनिक मारे जाते हैं। अब वो मेजर वहाँ के रफेल लड़की के कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इनका एक सैनिक अभी भी जिंदा था और मरने का नाटक कर भी वहीं पर लेटा हुआ था। अब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ मेजर छुपा हुआ था तो इन्हें पता चलता है कि वो वहाँ से भाग चुका है। ये लोग वहाँ पर उस घर में घुसते हैं और वहाँ पर जर्मन सैनिकों द्वारा बनाए खाने को खाने लगते हैं क्योंकि ये काफ़ी भूखे थे। यहाँ पर वो लोग रेड घोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था और साथ साथ वही लोग वहाँ से निकलने की भी प्लान कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वीरा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी डिलीवरी का समय आ गया था। ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं लेकिन इनमें से पूरा आदमी बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वीरा का बच्चा पैदा करा दूंगा। तभी एक दूसरी तरफ कुछ जर्मन सैनिकों को देखते हैं जो बर्फ में फंस गई अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके दूर से लड़कियों के कपड़े पहने एक आदमी को अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देखते हैं। पास आने पर पता चलता है कि ये तो मेजर। मेजर इन्हें सब कुछ बताता है, ये सब लोग वहाँ से रसियन और रेड पोस्ट को मारने गए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफ़ी मुश्किलों के बाद वीरा को एक लड़का पैदा होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, खासकर की वीरा। तभी वहाँ पर रेड पोस्ट अचानक से उठ जाता है और अपनी कन को लोड करके निकल जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि रेड पोस्ट को पता चल जाता है कि आसपास जर्मन सेना आ चुकी है, वानी जैसे वो जर्मन सेना को दूर से ही सूंघ लेता हो। सब लोग अपने अपने हथियार लेकर जर्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर जर्मन सेना आ चुकी थी और वो लोग ग्रेनेड लॉन्चर फायर करते हैं और इन पर अटैक कर रहे। ये लोग भी बड़ी बहादुरी से जर्मन सेना का सामना करते हैं और एक एक करके जर्मन सैनिकों को मारने लगते हैं। ये देखकर मेजर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमांडर से बोलता है कि मुझे कुछ सैनिक दो, मैं इनका सामना करूंगा।
मुझे अपनी इज्जत पर लगे दाग को धोने दो, क्योंकि मुझे इनकी वजह से लड़की के कपड़े पहनकर भागना पड़ा था। अब इन सब के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। ये लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि काफी सारे सैनिक मारे गए। अगर एक रसीन मरता तो वो लोग 10 जर्मन को मार देते। रेड कोस्ट का निशाना काफी तेज होता है, वो स्नाइपर से हेड शॉट देकर कई लोगों को मार गिराता है। वो उनके कमांडर को भी खत्म कर देता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। अब कुछ देर बाद रेड घोष और मेजर का आमना सामना हो जाता है। इन दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन अंत में रेड घोष खंजर भोंककर मेजर को मार देता है। लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक जो जिंदा बचा हुआ था वो उठता है और रेड घोष्ट को मार देता है। मारने के बाद वो बहुत खुश होता है और चिल्लाता है कि मैंने रेड घोष्ट को मार गिराया। तभी एक गोली सनसनाते हुए आती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है, यानी कि रेड घोष्ट अभी भी जिंदा था। अब सारे जर्मन सैनिक मारे जा चुके थे। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक गांव में कुछ जर्मन सैनिक उसी आदमी को पकड़कर मार रहे थे जिस आदमी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो उस आदमी से रेड घोष्ट के बारे में पूछ रहे थे। वो आदमी फिर से कहता है कि मैं एक कलाकार हूँ और नाटक करता हूँ। जर्मन सैनिक उससे ये पूछ ही रहे होते हैं तभी वहां पर कोई गोलियां चलाते हुए आता है और सबको हेड शॉट देते हुए मार गिराता है। फिर से वो बिल्कुल वैसे ही सबको इग्नोर करते हुए जाने लगता है। तभी वहाँ एक बच्चा आकर पूछता है कि क्या यही रेड घोष्ट है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर से वो बर्फीली पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।